दोस्तों, जैसे आपका उम्र होता है ना, आप बच्चे होते हैं, जवान होते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, उसी प्रकार के से हर देश का अपना एक एज होता है। जैसे कि एग्जांपल में लेता हूँ, जापान को बूढ़ों का देश कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे 60% पॉपुलेशन बूढ़ी हो चुकी है। यूरोप को दोस्तों मिडिल एज कहा जाता है, जहाँ पर 40 से 50 वाले ज़्यादा हैं। उसी प्रकार से भारत जो है ये युवाओं का देश है। हमारे देश में अधिकतर आबादी 20 से लेकर 30 वर्ष के लोगों का है। जी हाँ दोस्तों, एक यूथ कंट्री। हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था चाइना, जो कि आज से 20 साल पहले युवाओं का देश कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे चाइना की भी पॉपुलेशन एजिंग की तरफ बढ़ चली है और वहाँ की यूथ जो है, जो मतलब वर्कफोर्स होती है, वो कम हो रही है। लेकिन भारत की जो वर्कफोर्स है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन किसी काम की नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सुन की बड़ी हैरानी होगी। अक्सर आपने सुना होगा, नेता अक्सर आपसे ये कहते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, कि हमारे देश में भाई साहब इतनी आबादी है कि हम कैसे सबको रोजगार दें, आबादी बहुत ज़्यादा है, ये हमारी दिक्कत है। बट आबादी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, पॉपुलेशन कोई दिक्कत नहीं हमारी, पॉपुलेशन हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ दोस्तों, अब कई बार आपने सुना होगा ना कि यार देश में इतने युवा हैं, किसी को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। रीजन ये है कि हमारे वहाँ जो रोजगार होता है, जो माइंडसेट है लोगों का, वो सिर्फ सरकारी जॉब के लिए ही तैयार रहते हैं। अब 20 से 30 साल का युवा है, उसने अपनी 27-28 साल की उम्र तक सरकारी नौकरी की तैयारी की और उसकी लग गई तो ठीक है, 90% लोगों की सरकारी नौकरी नहीं लगती है, तो वो अब युवा कहाँ रह गया 30 साल की उम्र के बाद? वो तो अब मिडिल एजेस में जाना शुरू हो गया। तो वो जो युवा था वो पढ़ता रह गया, लेकिन उसकी पढ़ाई यूजलेस चली गई और लास्ट में 30 की उम्र के बाद कोई प्राइवेट जॉब पकड़ लेते हो, यही होता है। लेकिन इसमें सरकार की भी बहुत बड़ी गलती है। सरकार जो MNCs होती है, जैसे कि जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां होती हैं, उनको ज़्यादा अप्रोच नहीं कर पा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये मोदी जो सरकार है हमारी, इन्होंने मेक इन इंडिया बनाया और तरह तरह की स्कीम लाई, जो कि अभी तक बहुत बड़ी सक्सेसफुल नहीं साबित हो चुकी हुई है। और इवन अगर हम देखें, जितनी कंपनियां आई नहीं अभी तक, उससे अधिक जा रही हैं। जैसे कि पिछले कुछ सालों में हमें देखने को मिला है कि एक किया कंपनी भारत में आई थी, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसके उल्टे देखो तो फोर्ड, चेवरलेट, ओपल जैसी कंपनियां भारत छोड़ के चली जा रही हैं और चली गई। जी हाँ दोस्तों, ये सारी कंपनी भारत छोड़ के चली गई, मतलब जो आज जितना आ नहीं रहा है उतनी कंपनी जा रही है। तो जब कंपनीज बाहर की आएंगी नहीं हमारे देश में, तो जॉब कहाँ से क्रिएट होगा? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और हमारे देश के नेता भी गजबे हैं, वो कहते हैं कि भाई इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, मैं कैसे सबको रोजगार दे दूँ। अरे भाई, आपको किस लिए बैठाया गया है? आप देश की प्रॉब्लम्स को चुनेंगे, उसको सॉल्व करेंगे? आपको मैं जवाब 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 सवाल करने के लिए तो नेता नहीं बने ना। तो सरकार को कहना चाहिए ना, जो कंपनीज दुनिया भर में फैली हुई हैं, हमारे पास दुनिया भर का यूथ पड़ा है, अगर इनको हम अभी नहीं यूटिलाइज कर पाए तो कभी नहीं कर पाएंगे। एक दिन भारत भी बूढ़ों का देश बनेगा, आज से 60 साल बाद हमारा देश भी यंग एजिस में चल जाएगा। लेकिन अगर अभी हमारे पास टाइम, अगर सरकार यहाँ पे सचेत हो गई और दुनिया भर की कंपनीज को भाई खुला न्योता दे दो, यार आओ हमारे वहाँ फैक्ट्रीज लगाओ, हमारे रोजगार दो, जिसकी वजह से हमारे देश का जो अचानक से GDP होता है, जो लोगों की कमाई होती है, लाइफ स्टाइल होती है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। अदरवाइज हमारे जो युवा हैं, यूथ हैं, ये किसी काम के नहीं रह जाएंगे और 30 साल बाद आप देखोगे कि हमारे पास जो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है वो खो गया। हालांकि ये चीज़ें 1990 में चाइना के साथ भी हुई थी। चाइना की सरकार ने भाई मौके पर चौका मारा, देखा कि उनके देश में काफ़ी ज़्यादा युवा हैं, उन्होंने दुनिया भर की कंपनी से खुला न्योता दे दिया और वो लोग आ गए खुले सांड की तरह और वहाँ पूरा बैठ गए जाके। और उनका देश का भाई सोचो, चाइना की GDP $14 trillion पहुंचा दी उन्होंने 20-30 सालों में। मैं बता दूं, कनाडा की GDP $2 trillion है, जर्मनी की GDP $3 trillion के आसपास में है। सोचो चाइना कितना आगे चला गया अपनी यूथ के दम पर। आपको इस बात का अभी अंदाजा हो रहा होगा कि एक देश की पॉपुलेशन उसे कहां ले जा सकती है। $14 trillion की इकोनॉमी चाइना की है। क्यों? क्योंकि उनके पास पॉपुलेशन है। हमारी इकोनॉमी कितनी है? $3 trillion की भी अभी ढंग से नहीं होगी शायद, और हमारी पॉपुलेशन भी उतनी ही है। लेकिन क्या है, चाइना अपने यूथ को सही से यूटिलाइज कर लिया और हमारे नेता पॉलिटिक्स में रह जाएंगे। और अगर ऐसा चलता रहा तो हमारा जो देश का यूथ है ये किसी काम का नहीं रह जाएगा और एक दिन हमारा देश यंग एजेस में आएगा और फिर एजिंग की तरफ चल जाएगा जैसे जापान जा रहा है, फिर भैया कुछ नहीं हो सकता है। तो अभी भी समय है, सरकार को अगर थोड़ी सी भी कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति सरकार में आए, कोई एजुकेटेड बंदा बैठे, तो शायद वो सारी बात ये सब समझ पाएगा। ओवरऑल आपको क्या लगता है, क्या इंडिया का यूथ ऐसे ही मतलब यूजलेस होकर डाई हो जाएगा या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें EV वर्ल्ड को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।